आज हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ लिक्विड स्टेट। थ्योरीज ऑफ लिक्विड स्टेट में हम पहले देखने जा रहे हैं बर्नेल एंड स्कॉट थ्योरी, बर्नेल और स्कॉट का सिद्धांत। देखिए, ये जो बर्नेल एंड स्कॉट की थ्योरी है, इसको हम डिसऑर्डर इन लिक्विड स्टेट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो ठोस होते हैं वो एक निश्चित पॉइंट पे, जो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है उनका, उसके ऊपर वो एकदम से लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये जब चेंज होते हैं तो उनके अंदर एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है, अव्यवस्था का मान बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल्स सॉलिड की तुलना में ज़्यादा मोमेंट कर सकते हैं। और देखिए किस तरह से सॉलिड और लिक्विड और गैस को हम इस तरह से देख सकते हैं। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सिस्टमेटिकली जमे हुए हैं। देखिए, ये जो एक पार्टिकल ए है, उसके चारों तरफ दूसरे 6 पार्टिकल्स इसके अंदर, ठोस के अंदर व्यवस्थित हैं। और एंट्रोपी का मान बहुत कम होता है इसके अंदर, जबकि जैसे ही ये 6 पार्टिकल में से अगर देखते हैं लिक्विड के अंदर एक पार्टिकल कम हो रहा है, एक ही चारों तरफ अब 5 पार्टिकल ही है, तो ऐसी स्थिति में अब जब ठोस में से ये एक पार्टिकल, एक ही चारों तरफ जो 6 पार्टिकल में से एक पार्टिकल दूर हो रहा है, तो एकदम से उसके अंदर ये अव्यवस्था इसके अंदर आ जाती है, जो लिक्विड स्टेट के अंदर एकदम से चेंज हो जाता है। तो ये जो हम कहते हैं कि ठोस जो पार्ट है, क्रिस्टलीय ठोस, उनके गलनांक शार्प होते हैं। और ऐसा नहीं है, होता है कि ठोस के गुण धीरे धीरे परिवर्तित होकर उसमें द्रव के गुण आते हैं, वरन एक बिंदु पर तुरंत ही उनके गुणों में परिवर्तन होता है और ठोस द्रव अवस्था में आ जाता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ए के चारों तरफ सामान्य निकटतम पैकिंग व्यवस्था के अनुसार 6 कणों के स्थान पर केवल 5 कण ही होते हैं द्रव के अंदर, और इसके बाद कणों को चाहे कितना व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाए, क्रिस्टल संरचना जैसी स्थायी व्यवस्था इससे प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे ठोस में थी उस तरह की संरचना लिक्विड के अंदर हम प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात एक कण की व्यवस्था डिस्टर्ब होते ही पूरे ठोस की व्यवस्था बिगड़ जाती है। और गलनांक बिंदु पर किसी एक कण द्वारा अपनी व्यवस्था के हटते ही पूरा क्रिस्टलीय ठोस पिघलने लगता है, क्योंकि क्रिस्टल के किसी एक कण द्वारा उच्चतम गतिज ऊर्जा पाकर अपनी व्यवस्था से हटते ही अव्यवस्था तेजी से पूरे क्रिस्टल में फैल जाती है, और इस वजह से उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। और हम जानते हैं कि जो गैसों की एंट्रोपी है वो और भी ज़्यादा होती है। अब हम देखें कि जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें अव्यवस्था ठोस की तुलना में तो है, लेकिन फिर भी कई स्थान पर कण कुछ दूर दूर पर हम देखें तो व्यवस्थित नज़र आते हैं, जबकि गैस अवस्था में तो कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है। अतः गैस अवस्था की तुलना में ध्रुवों की एंट्रोपी का मान काफ़ी कम होता है। तो ठोस की जो एंट्रोपी है उनका जो मान है वो सबसे कम, फिर ध्रुवों की एंट्रोपी और फिर गैस की एंट्रोपी का मान काफ़ी अधिक होता है। तो सबसे अधिक एंट्रोपी गैस की है, फिर द्रव की उससे कम, और फिर ठोस की उसके कम है। तो इस तरह से इस थ्योरी के आधार पे ठोस से द्रव के अंदर परिवर्तन होने पे किस तरह से एकदम से परिवर्तन हो जाता है, ये समझाया गया। हम यह तो नहीं कह सकते कि समस्त क्रिस्टल बिल्कुल आदर्श व्यवस्था में होते हैं, इनमें भी कुछ अव्यवस्था इनमें भी हो सकती है, किंतु फिर भी यह सीमित होती है और उसे अपेक्षित किया जा सकता है। और इस सीमा से अव्यवस्था के बढ़ते ही क्रिस्टल पिघलने लगता है। तो ये है पहली थ्योरी, बर्नेल और स्कॉट की थ्योरी। इसके बाद हम देखते हैं आयरिंग सिद्धांत।
तो नेक्स्ट जो सिद्धांत हम देखने जा रहे हैं वो है आयरिंग थ्योरी। आयरिंग थ्योरी जो है वो 1993 में आयरिंग ने ध्रुवों की संरचना के संबंध में ये जो दी थी, और उसके अनुसार ध्रुवों में कुछ ऐसा रिक्त स्थान होता है जिसे अणुओं ने घेरा हुआ नहीं होता है। तो ये हम आयरिंग थ्योरी देख रहे हैं, और देखिए इसके अंदर ये जो है मॉडल इस तरह से ये आयरिंग के द्वारा दिया हुआ है। तो इस मॉडल के अनुसार ध्रुवों में कुछ ऐसा रिक्त स्थान होता है जिसे अणुओं ने घेरा हुआ नहीं होता है, ऐसे स्थान को फ्री वॉल्यूम या मुक्त आयतन कहा गया। किसी द्रव में सामान्य ताप और दाब पर द्रव के कुल आयतन का लगभग 3% मुक्त आयतन होता है, और जो है ब्रिजमैन ने इसकी पुष्टि भी की। आयरिंग के जो द्रव संरचना का मॉडल है उससे ये स्पष्ट होता है कि वाष्प मुख्य रूप से रिक्त स्थान, वाष्प में जो है वेपर अवस्था में मुख्य रूप से रिक्त स्थान होता है, और उसके जो कण हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, जबकि द्रव अवस्था में अणुओं द्वारा भरा हुआ स्थान होता है जिनमें कुछ रिक्तिकाएँ होती है, वैकेंसी होती हैं जो घूमती रहती है। जब द्रवों का ताप बढ़ाया जाता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड्स का, तो वाष्प अवस्था में अणुओं की सांद्रता बढ़ने लगती है, और साथ ही द्रव अवस्था में रिक्तिकाओं की सांद्रता बढ़ने लगती है। इस प्रकार वाष्प का घनत्व तो बढ़ता जाता है और द्रव का घनत्व घटता जाता है, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि क्रिटिकल पॉइंट न आ जाए, क्रांति बिंदु नहीं आ जाता है। तो साम्य अवस्था में द्रव और वाष्प का औसत घनत्व जो है, अगर उसको हम रो एवरेज से प्रदर्शित करें तो ये एक स्थिरांक होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये टेम्परेचर के साथ में इसमें रेखीय कमी आती है, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं रो एवरेज बराबर रो नोट माइनस अल्फा टी। यहाँ पे ये जो रो नोट और अल्फा एक कॉन्स्टेंट्स हैं जो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो ये जो नियम है ये सर्वप्रथम जो है केली टेट और मिथियाज के द्वारा 1886 में दिया गया, और इसको हम रेखीय व्यास का नियम कहते हैं, रेखीय व्यास का नियम, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर कहते हैं। सामान्य ताप और सामान्य दाब यानी रिड्यूस टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर के रूप में कुछ गैसों के लिए इस नियम को हम देखिए इस डायग्राम से इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो ये डायग्राम इस रेखीय व्यास के नियम को प्रदर्शित कर रहा है। द्रव में मुक्त आयतन किस प्रकार से वितरित रहता है, आयरिंग ने इस संबंध में ये बताया कि रिक्तिकाओं का जो आकार आंतरिक आकार के बराबर ही होना चाहिए। यदि एक अणु किसी रिक्तिका के पास है तो उसका व्यवहार गैस की भांति हो जाता है, और द्रव में रिक्तिका उत्पन्न होने से उसकी एंट्रोपी के मान में बहुत वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि कोई अणु रिक्तिका के बजाय किसी अन्य अणु के पास है तो उसका व्यवहार ठोस की भांति होता है। तो ये हमने देखा आयरिंग का सिद्धांत। तो आज हमने लिक्विड स्टेट की जो थ्योरीज देखी, उसमें पहली थ्योरी जो हमने देखी है वो है बर्नेल और स्कॉट की थ्योरी, और दूसरी आयरिंग थ्योरी।